जय हिंद। नमस्कार, मैं सचिन चौधरी, सिटी वेब न्यूज़ से। आज हम हैं स्टेट बैंक कॉलोनी में जनमान्य और रिस्पेक्टेड व्यक्तियों के बीच। जैसे कि हम सब जानते हैं जो हमारे देश के हालात हैं, एक कानून आया गया था, नागरिक संशोधन कानून, उस पर विरोध हुआ क्योंकि लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबको हक है। और उस पर जो विरोध हुआ, बट वो विरोध हिंसात्मक प्रदर्शन में बदल गया। तो पहले तो हमें बहुत जानना जरूरी है कि नागरिक संशोधन कानून है क्या। हमारी सिटी वेब की हमेशा से पहल रही है कि जानकारी मिले लोगों को कि ये है क्या, और क्योंकि जानकारी के अभाव में विरोध हो रहा है। आइए जानते हैं लोगों से। आपका नाम सर? अमित जी। अमित जी, ये जो नागरिक संशोधन कानून है, थोड़ा सा पहले तो आप इसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। सर, पहली बात तो यह, किसी को इसके बारे में भी पता ही नहीं है। ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको नहीं पता है किस बारे में बिल बनाया, कैसे बनाया, इसका क्या घुमाया जाए। और रही इसकी बात, जैसे प्रदर्शन कर रहे हैं भाई, इनको ये नहीं मालूम है बिल है क्या। ठीक है, जब बिल नहीं पता है तो प्रदर्शन भी वैसे ही है जो का। तो और ये जो नागरिक संशोधन कानून है, इसमें ये वो जो कुछ समुदाय है विशेष, वो समुदाय ये कह रहा है कि हमें देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, क्या ऐसा सही है? ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो नागरिकता है भाई, अगर तुम पहले से रह रहे हो यहाँ, तुम्हें बिना नागरिकता के रह रहे हो और नागरिकता मिल जाए, इससे बड़ी बात क्या है। वो जी, जो आपका नाम राकेश पांडे जी। सर, थोड़े से विचार व्यक्त करें अपने इस बारे में। विचार तो ये है जी, आज की जो सरकार है वो रोजगार, बेरोजगारी, जीडीपी जो डाउन हो रही है, महंगाई और व्यापार सारे ठप हो गए, इसे ध्यान भटकाने के लिए कानून बनाती है। और इतनी जल्दबाजी कानून में हुई कि इसकी पहले लोगों को कोई सूचना नहीं दी, थोड़ा समझाते लोगों भाई ये NRC क्या है, और बहुत जल्दबाजी में कानून पास कर दिया। ये कानून बिल्कुल गलत है, इसको जब तक हम किसी बात को समझा नहीं पाएंगे विरोध करते हैं। दूसरे जो लोग विरोध कर रहे हैं सड़कों के ऊपर, उनके ऊपर लाठीचार्ज, बदतमीजी, उनको समझाओ। और उसका पब्लिक के बीच मांग है, सत्ता पक्ष के लोगों को उसके बारे में बताना चाहिए, वो मैं इतना ही कहूँगा जी। अच्छा सर, जो लेकिन जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो हिंसा में बदल रहे हैं, तोड़फोड़, आगजनी वगैरह हो रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसमें वो गलत है, कुछ असामाजिक तत्व तो उसमें आ जाते हैं जो ये स्त्री घटना घटती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रदर्शन जो करना है वो शांतिपूर्वक ढंग से करो, ये अधिकार है सबका, हिंसा तो उचित नहीं है। कंवरपाल तोमर, देखो NRC और CAA का जो ये आजकल बिल पास हुआ है संसद से, ये कुल मिला के सही नहीं है। ये उन लोगों को नागरिकता देने के लिए होना चाहिए जो बाहर से लोग आए हैं, जो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से। लेकिन खाली 20-30 हज़ार लोगों को नागरिकता देने के नाम पे पूरे 125 करोड़ लोगों को लाइन में लगाया जा रहा है, ये तो दूसरी नोटबंदी हो रही है, ये गलत है हमारे हिसाब से। लोकतांत्रिक तरीके से जो अधिकार है वो आंदोलन करना चाहिए, लेकिन ये हिंसात्मक जो घटनाएँ हो रही है गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि जो आज सत्ता पक्ष है उसको इस तरह के कानून बनाने के बजाय बच्चे जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनके लिए कुछ कानून बनाया जाए, जो व्यापार ठप होते जा रहे हैं इनके लिए कुछ सुविधा दी जाए, GST जो भी बढ़ाई है इन्होंने, पहले जो GST थी उस पर तो व्यापारों की हालत होगी, अभी GST बढ़ाई है, जनता के ऊपर चलान के बोझ डाले जा रहे हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए इन्हें सुधार करना चाहिए। भ्रष्टाचार जो है, जहाँ 100 रुपये लगते थे वहाँ 500 रुपये लगते हैं, इस पर अंकुश लगाना चाहिए, इन बातों को ध्यान देना चाहिए, ना कि नए नए कानून बना गए। सर, जैसे कल प्रदर्शन हुआ और आज भी इधर बहुत ठीक था, आराम से भी था, सहारनपुर में कोई दंगा नहीं हुआ और नहीं होगा क्योंकि पुलिस फोर्स ने बहुत बड़ा काम किया है अपना भाई, जगह जगह पे खड़े हुए हैं और सारा देखते हुए बहुत बढ़िया रहा, मतलब सहारनपुर का सुख शांति से। क्या संदेश देना चाहेंगे थोड़ा? बस ये भाई, प्रदर्शन ना होना हो और लोगों को परेशानी ना हो, उससे कुछ भी ठीक ठाक रहे। जैसे हमारी स्टेट बैंक कॉलोनी के कुछ जान मान्य लोग, तो इन सब की अलग अलग राय थी, अलग अलग मतें थी, लेकिन एक ही बात बिल्कुल सब ने कहा है कि विरोध आप कीजिए, विरोध करना है लोकतंत्र में, विरोध कर सकते हैं, सबको बात कहने का हक है, लेकिन जिस तरीके से हिंसात्मक विरोध हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। और हमारे सहारनपुर ने भी जो विरोध किया बिल्कुल शांतिपूर्वक किया, एक अमन चैन की एक मिसाल पेश की है, तो ऐसा ही होना चाहिए। और जय हिंद। नमस्कार, मैं सचिन चौधरी, सिटी वेब न्यूज़ से।